झांसी में नगर निगम की टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सड़क किनारे अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटवाया गया, लेकिन इस कार्रवाई में व्यापारी सड़क पर उतर कर आए और हंगामा करने लगे। तो वहीं व्यापारी और अतिक्रमण दस्ते की जमकर नोकझोंक भी हो गई तथा व्यापारियों ने नगर निगम की टीम पर कार्रवाई पर सवाल या निशान उठाए। बताया गया है कि झांसी के मिनरवा चौराहे पर फैले अतिक्रमण को आज नगर निगम की टीम द्वारा बुलडोजर की मदद से हटाया गया, जिसके बाद व्यापारी और नगर निगम की टीम आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि उन्हें नगर निगम टीम की द्वारा कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था और ना ही सामान हटाने का समय दिया गया था, जिसके चलते दो वक्त की रोटी कमाने वाले छोटे दुकानदार की दुकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं जिसमें दुकानदारों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और अगर नगर निगम की टीम पहले ही सूचना दे देती तो यह छोटे दुकानदार अपना सामान बचा सकते थे, ताकि उनका नुकसान ना हो सके और वह अपने परिवार का आसानी से भरण पोषण कर सकें। लेकिन नगर निगम की टीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बिना सूचना के ही अतिक्रमण हटाने के लिए JCB की कार्रवाई कर दी, जिसको लेकर व्यापारी और नगर निगम की टीम आमने सामने आ गई और काफ़ी देर तक यह हंगामा चलता रहा। तोड़ी जाती हर चीज, कोई आदेश वगैरह कोई सूचना नहीं दी गई पब्लिक को, यानी कार्रवाई के दौरान जो मतलब समय दिया जाता है सामान हटाने का, तो आपने समय दिया कहा है आदमी को, आदमी समय आपने समय आदमी को दिया कहा है, आप समय देते हम आपको हटा लेते आदमी को। नुकसान हुआ सामने आप देखो ना, नुकसान कितने का हुआ, डली फिर आज के टाइम में कितने की होगी, 70-80 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया, 1000 रुपए का नुकसान है उसका, एक डिब्बी सिगरेट 500 रुपए की है, अब आप जोड़ लो, आपने दस तोड़ ताड़ के बेच दी, लाला गिरी हो रही गाँव में की यार मामू भाई, ये तो जेब चाहे वो उसके साथ वो कर सकता है ना, फिर शासन तो सलाई भाई। यहाँ पे सड़क पटरी पर और पब्लिक स्पेसेस में काफ़ी अतिक्रमण है, कुछ अतिक्रमण काफ़ी पुराने भी, और इनसे पब्लिक को बहुत असुविधा हो रही है, काफ़ी गंदगी भी फैलती है, शाम को ये जब एक्टिव होकर के दुकान अपनी चलाते हैं, जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा या तो इंशन नहीं किया जाएगा या वो दूसरे ढंग से अपना एक कारोबार नहीं करेंगे, तब तक झांसी सिटी को स्मार्ट सिटी में पहुँचने में, उस सिटी में पहुँचने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए उसको मुझे में रखते हुए पब्लिक और शहर के इंटरेस्ट को रखते हुए हम लोग प्रतिदिन अभियान चला रहे हैं, एनफोर्समेंट करके लोगों को समझा भी रहे हैं, जहाँ कार्रवाई की जरूरत होती है वहाँ कार्रवाई होगी। अभी आपने किले पर अतिक्रमण हटाया है, किला एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, जो झांसी शहर है रानी लक्ष्मीबाई के किले के नाम से ही जाना जाता है, और इधर सरकार ने काफ़ी विकास भी किया है, भलाई की शाम को शाम नेपाल में तमाम लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर जो भी बाहर से लोग आते हैं और वहाँ पर अतिक्रमण देखते हैं वो भी छोटे छोटे झोंपड़े टाइप का अतिक्रमण, तो उससे एक बड़ा ख़राब देश जाना था, तो आज अभियान चलाया गया और इसमें तकरीबन सब लोगों को हटा दिया गया, जो एक आध लोग हैं जी, और आशा है कि कल तक पूरा और सफाई की जाएगी ताकि उस इलाके को और मतलब अच्छा, मानिक चौक वगैरह में जो दिक्कत होती है उसमें भी कोई योजना, वहाँ भी विचार चल रहा है, वहाँ भी काफ़ी लोग खासकर चंद्रशेखर आजाद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के दोस्ती आगे 20-25 लोग किला लगाते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो उसके मद्देनजर वहाँ भी पहले भी कार्रवाई की गई है और आगे योजना बनाई। झांसी से मोहम्मद सैफ के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य, हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, B Tech, M Tech and Polytechnic Diploma. Contact now
www.pkuniversity.edu.in एड्रेस थानरा विलेज झांसी रोड शिवपुरी। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन ले जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज बीएससी कृषि बीए बीकॉम बीएससी मैथ्स बायो श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय ग्राम धबाकर मऊरानीपुर झांसी। कॉन्टेक्ट 7470082279।